तीन राज्यों की कमान हाथ से जाने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सामने आकर बड़े बयान दिए हैं। दरअसल रायबरेली पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने राफेल डील पर रामचरितमानस की चौपाई का हवाला दिया। आप मुझे बताइए भाइयों, हमारे देश की सेना ताकतवर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश की सेना सामर्थ्यवान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सेना के हाथ में आधुनिक हथियार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आज देश ये देख रहा है कि कांग्रेस उन ताकतों के साथ खड़ी है, हमारे विरोधी उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो हमारी सेनाओं को मजबूत नहीं होना देना चाहते। ऐसे लोगों की कोशिशों को किन किन देशों से समर्थन मिल रहा है ये भी देश देख रहा है। क्या कारण है कि यहां ऐसी भाषा कुछ नेता बोल रहे हैं? तालियां पाकिस्तान में बजाई जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? साथियों, रामचरितमानस में एक चौपाई है, साथियों रामचरितमानस में एक चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम किसी का व्यक्तित्व समझाते हुए कहते हैं, जूठई लेना जूठई देना, जूठई भोजन जूठ छपेना। यानी कुछ लोग झूठी स्वीकार करते हैं, झूठी दूसरों को देते हैं, झूठ का ही भोजन करते हैं और झूठ ही चबाते रहते हैं। कुछ लोगों ने इन्हीं पंक्तियों को पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के लिए देश का रक्षा मंत्रालय भी झूठा है, देश की रक्षा मंत्री भी झूठी है, भारतीय वायुसेना के अफसर भी झूठे हैं और फ्रांस की सरकार भी झूठी है, अब अदालत भी कांग्रेस को झूठी लगने लगी है। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है। वहीं पीएम मोदी अपने इस बयान से दो अलग अलग बातें कह गए। पहला तो पीएम मोदी ने राफेल डील पर कांग्रेस को बेइज्जत किया और दूसरा रामचरितमानस की चौपाई पढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की ओर अपना झुकाव भी दिखाया है। हिंदुत्व ही भाजपा का 2019 चुनाव में बड़ा एजेंडा होने वाला है। देखना ये है कि 2019 चुनाव की किस तरीके से मोदी सरकार तैयारी करती है, क्योंकि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हों कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग हैं, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी को चिंतन करने की जरूरत जरूर है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।